सांसें दीं तो जिस्म छीन लिया, या रब ये जिंदगी तो मौत से भी बदतर रही। कई बार जिंदगी इतने टुकड़ों में बट जाती है कि उसे समेटने में सदी भी कम पड़ जाए। हम आपको जिला मंडी की नगर पंचायत सरकाघाट के एक परिवार से मिलाएंगे। इस परिवार की कहानी सुनकर हमें अपने इंसान होने पर भी कभी गर्व नहीं होगा। हम जिस समाज में रहते हैं उस पर भी कभी कभी शर्म महसूस होने लगती है। ये लालमन हैं, इनके माथे पर गरीबी का जो ठप्पा लगा है उसे उन्होंने अपने कर्मों की सजा मान लिया है। इनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी और हाथों की अंगुलियां भी हथेली से कट चुकी हैं। बताते हैं कि गैंग्रीन के चलते उनके ये अंग खत्म हो गए। तीन बच्चे हैं, एक पत्नी है, जोर से बोलो, दो लड़कियां हैं, एक लड़का है ही। और मेरा कमाने का कोई साधन नहीं है, मेरे पास मकान भी नहीं है जो कभी भी गिर सकता है। और हम एक ही कमरे में पांच आदमी सारे रहते हैं और सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिली आज तक। जो 104 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारी वार्डों में सातों में मिले हैं जी, उसमें आपका नाम नहीं है? उसका नाम है जी, पर अभी यहाँ आए नहीं, फोटो नहीं खींचा ना तो कुछ। 100 जो अभी चार 104 में उसमें आपको नहीं लौट हुआ है ना मकान? अभी मैं गया था जी, वो बोल रहे थे भी हुआ है लेकिन कोई पता नहीं अभी, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। हुआ है, उनको तो मिल गए हैं जी, तो मुझे कुछ नहीं अभी तक मिला है। चाहते गए, मैं चाहता हूँ जी, मेरा एक तो मकान और दूसरी बात है मैं अपंग आदमी हूँ, मैं खुद भी नहीं बना सकता हूँ जी, और सरकार भी मेरी सहायता करे जो भी कुछ है। वो खाने पीने के लाले ही हैं जी, देखो बच्चे हैं तो उनका गुजारा कैसे, बहुत मुश्किल है जी। हंसता खेलता परिवार गरीबी में भी गुजर कर ले, मगर लालमन जैसा मुखिया जब अपाहिज हो जाए तो समझना चाहिए कि पूरा ही परिवार अपंग हो गया। स्कूल जाते तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा है। जिद है कि बच्चे पढ़ें, मगर सबसे बड़ी दौलत के नाम पर कुछ पास है तो एक झोंपड़ी। घर को रास्ता नहीं और गैंग्रीन के मरीज को सड़क पर लाने के लिए अक्सर लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं और लोग कंधों पर उठाकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लालमन को लाखों अनुरोध के बावजूद घर बनाने के लिए सरकारी सहायता नहीं मिली। सरकाघाट नगर पंचायत में ऐसे भी कई लोगों को गरीब मानकर सरकारी मदद मिली जो गाड़ियों और बंगलों के मालिक हैं। नगर पंचायत सरकाघाट के चेयरमैन संदीप वशिष्ठ बताते हैं कि लालमन को मकान बनाने के लिए अगली सूची में डाला जाएगा। सिंह है और मैं वार्ड नंबर 7 का पार्षद हूँ। बाकी जो इसका लालमन के जो है इसके लिए लेटिंग भी नगर पंचायत से मंजूर हुई है और मकान का भी इसका आए थे यहाँ, उनकी उन्होंने इंस्पेक्शन की थी और इसको मकान के लिए भी अब मेरे पास लिस्ट भी है, इसका नाम है। तो अब नगर पंचायत वालों ने पहले उनकी वो कईयों को तो दे दिए उन्होंने, जैसे चिट्ठियाँ वितरण की उन्होंने, बाकी इसकी इसको चिट्ठी नहीं दी है अभी इन्होंने। तो आप करें, मैं इसकी जानकारी लूंगा दोबारा और इसके बारे में मैं हर हाल में मदद करेंगे। मदद तो यह थी टुकड़ों में बंटी एक अपाहिज की करुण गाथा। अगली कहानी देखने के लिए बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।